गाइस हैप्पी जन्माष्टमी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जन्माष्टमी है, इसलिए मैंने येलो पहना है जो कि मेरे पास बहुत कम है। और अभी मैं जा रही हूँ गिन्नी दीदी के यहाँ, और उसके पीछे एक स्पेशल रीज़न है क्योंकि थोड़े दिन पहले रक्षाबंधन था, तो मैंने एक मिठाई बनाई जिसको बनाने के बाद मैं बहुत डिमांड में आ गई थी मार्केट में, और इसलिए दीदी ने मुझे आज वो मिठाई बनाने बुलवाया है। मैं वैसे बनाऊंगी नहीं, दीदी को सिखाऊंगी, तो देखते हैं दीदी बना पाती है कि नहीं। दीदी आप रेडी हो मिठाई बनाने के लिए? यस yes. तो हमारी तैयारी पूरी है? बिल्कुल, चलो शुरू करते हैं फिर। ओके okay. हमने कढ़ाई में दूध डालने से पहले घी डाला था 2 चम्मच, और आप घी की जगह बटर भी ले सकते हैं, मैंने घी लिया था। और अब हम 1 लीटर दूध डाल रहे हैं, हम 1 लीटर दूध की मिठाई बनाएंगे और देखते हैं, चलाते रहेंगे। हाँ, इसको अब लगातार चलाएंगे। दूध चलाते रहना है बहुत देर तक, इसमें हाथ दुख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, कोई नहीं, जब कुछ अच्छा खाना हो हाँ तो आपको उसके साथ मेहनत तो करनी पड़ती है कुछ अच्छा खाने के लिए। अब जब ये दूध थोड़ा ठीक हो जाएगा तब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, ठीक है? उबल गया है तो हम इसमें भी मिल्क पाउडर ऐड करते हैं, उसी की वजह से इस मिठाई में वाइट कलर आएगा, वरना ये थोड़ी येलोइश हो जाती है। तो हमने लिया है अमूल का ये मिल्क पाउडर जो कि बहुत अच्छा, और ये ऑलरेडी मीठा रहता है, तो हम इस हिसाब से चीनी थोड़ी कम डालेंगे नॉर्मल मिठाई के हिसाब से, क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी थोड़ा मीठा होता है। अभी थोड़ी देर इसको चलाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद और थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालेंगे। दीदी हाथ तो नहीं दुख रहा है ना? नो, बिल्कुल भी नहीं। एक्सपीरियंस्ड है ना दीदी, इसलिए मैं दीदी से बनवा रही हूँ। एक्सपीरियंस्ड थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। देखिए काफी हद तक हमारी मेहनत है वो सक्सेस हो चुकी है, वो गाड़ी हो रही है गाड़ी हो रही है, और हमें आ रहा है कि नहीं हम सही जा रहे हैं, सही सही दिशा में जा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि 15-20 मिनट बाद ही तैयार हो जाएगी। हाँ, शायद। तो अभी मिठाई ताकि दानेदार दिखे हम अप्रोक्स 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे, और फिर इसको चला के देखेंगे, अगर फिर भी हमें लगता है और डालना चाहिए तो हम और डालेंगे। और नींबू के रस के अलावा हम फिटकरी का भी यूज़ कर सकते हैं, 1 चुटकी फिटकरी। देखिए अभी हमें ये दानेदार होती भी दिख रही है, अभी हमने नींबू डाला है और हम इसे थोड़ी देर और चलाएंगे तो एकदम दानेदार हो जाएगी। तो 1 चम्मच नींबू से हो जाते हैं ये। तो अभी हमने 1 लीटर दूध में 1 कप शुगर ऐड कर दी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमने क्योंकि मिल्क पाउडर डाला है और वो अपने आप में मीठा होता है, तो हम ज़्यादा शुगर ऐड नहीं करेंगे, इसलिए हमने सिर्फ 1 कप शुगर ऐड की है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि ये मीठा है, तो मीठी डिश ज़्यादा चीनी डाल के भी ठीक ही लगती है। अब ये हो गया एकदम देख सकते हैं। अब हम इसको एक वेसल में उतार लेंगे ठंडा करने के। तो हमने ये वेसल ले लिया है क्योंकि थिकनेस से भी सही है, और इसमें घी लगा लिया है पहले,
ताकि ये चिपके ना। और अब हम इसमें ये जो हमारा मटेरियल बन गया है ये डालेंगे, ठंडा करने के लिए रख देंगे। फिर तो अभी ये अच्छे से सेटल हो जाएगी और हम इसको 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। और इसमें हम चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं जिससे बहुत सुंदर दिखेगी। मैं काजू और बादाम ऐड कर रही हूँ, आप अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है एंड ये स्पेशली मिल्क पाउडर की वजह से कलर आया है। अगर हम मिल्क पाउडर नहीं डालते हैं तो इतना वाइट नहीं आता है, बहुत सुंदर दिख रही है ये। अब हम इसे सेटल होने देते हैं। अभी मिठाई हमने ठंडी होने रख दी है तो हम बैठ के फोटो सेशन कर रहे हैं। पर कल मैंने सोच लिया था कि आज हम व्लॉग करेंगे इसलिए ये पिंपल्स आ गए, बट अब मैंने इनके साथ जीना सीख लिया है। हर चीज़ के साथ जीना सीखना बहुत ज़रूरी है ना सोम्या? सही में। तो अब हम इसको काट के देखते हैं कि ये सॉफ्ट है या फिर ठीक हो गई है। एंड आई थिंक या ये जम गई है, तो अब हम इसको काट के पीसेस में रख लेंगे और ये खाने के लिए तैयार है।